एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ आप जिस भी पर्सन के साथ अब करंट में डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन के लेट नाइट डीप थॉट्स आपको लेकर, आपके बीच में जो भी रिश्ता है उस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है, ये चीज़ें आज इस रीडिंग में देखी जा रही हैं। व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा, ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है, बजाय अपने आप को हर एक बात में फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। ये जो भी रीडिंग है ये पूरी तरह से एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने ये आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। तो फोकस आप अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखें जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं व्यूअर्स कि लेट नाइट थॉट्स इस पर्सन के क्या हैं। उसके अलग व्यूअर्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग मुझसे लेनी है तो आपको मेरा जो भी नंबर है वो रीडिंग के स्टार्टिंग से पहले ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है। ये पर्सनल रीडिंग जो भी होगी ये पेड होगी, फ्री नहीं होगी और कॉल अलाउड नहीं है। आपको जो भी इंक्वायरी लेनी है वो व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज फॉरवर्ड करके ही आपको लेना होगा। तो फोकस आप अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखें, गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट करंट डीप थॉट्स क्या हैं, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी में है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। फर्स्ट वन इज टोटैलिटी, स्लोइंग डाउन, द सोर्स, द ड्रीम, ट्रैवलिंग। टाइट कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के करंट इमोशंस क्या हैं, करंट में व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। कंप्लीटेशंस एंड बॉटम है आपका इंटीग्रेशन, ओके। तो सबसे पहले व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे जो भी राशियाँ हैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे जैसे कि एरीस, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखाई दिया। उसके अलग आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड ये वाटर एलिमेंट यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। नंबर आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे आपका 5, 6 और 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि आपका हो गया मई, जून और अगस्त मंथ। उसके अलग यहाँ पर कुछ लोगों के केस में ये भी पॉसिबिलिटी बनते हुए दिख रही है कि आप लोगों के बीच में अब ज्योग्राफिकली लेवल पर दूरियां हो, चाहे ये दूरियां आप दोनों के बीच में जो भी हैं, ये कंट्री वाइज, टाउन वाइज, सिटी वाइज ही क्यों ना हो, लेकिन डिस्टेंस यहां पर अच्छी खासी आप दोनों के बीच में मुझे बनते हुए दिखाई दे रही है व्यूअर्स। देखिए, ऐसा देख पा रही हूँ जैसे कि ना इस पर्सन की लाइफ में काफी चीजें ना उलझ रही हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी खुद की आंखों के सामने छूटती जा रही हैं, या जितना ज़्यादा ये पर्सन उसे कंट्रोल में करने की, उसे सही करने की, काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा वो चीज़ हो, या वो जो भी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उतनी ज़्यादा वो चीज़ें ना, वो हालात, वो सिचुएशन इस पर्सन के लिए कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं, चैलेंजिंग होते जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर है। यानी कि जितना ज़्यादा इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर सभी चीज़ें, सभी सिचुएशन को संभालने की कोशिश करी जा रही है, डेफिनेटली वो यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। ये अपनी तरफ से ऐसा नहीं है, पूरा नहीं दे रहे या देने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन जितना इस पर्सन की तरफ से दिया जा रहा है, एफर्ट्स करे जा रहे हैं, वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं इन कॉम्पिटिशन्स, इन चैलेंजेस के सामने, जैसे कि एक टर्टल की चाल, एक टर्टल की स्पीड, बहुत स्लो। तो यहाँ पर आपके पर्सन जैसे अपनी ज़िंदगी से, अपने हालातों से फाइट कर रहे हैं, और वही चीज़ें इस पर्सन को अपने ही सामने ये बार बार एहसास दिला रही है कि जो भी ख्वाब देख रहे हैं या जिस भी तरह के ये मूवमेंट अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, वो इनसे डे बाय डे बहुत दूर होते जा रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि इन मोमेंट्स को पाने के लिए इस पर्सन के पास कोई सोर्स, कोई माध्यम नहीं है, या हो भी सकता है कि नहीं भी हो, लेकिन ओवरऑल इस पर्सन के जितने भी एफर्ट्स हैं, जितनी भी कोशिशें हैं, वो सभी या तो इन्हें पूरी तरह से नाकामयाब होते हुए दिखाई दे रही हैं, या फिर इन्हें अपने सपने बहुत दूर जाते हुए इन्हें दिखाई दे रहे हैं। और वही चीज़ें इस इंसान के लिए व्यूअर्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है, यानी कि यहाँ पर डेफिनेटली ये इंसान अपने हालातों से जैसे कि फाइट कर रहे हो। यहाँ पर ख्वाबों के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर इन ख्वाबों में कहीं ना कहीं आप हो, और मोमेंट के बारे में अगर बात करी जाए तो ये मोमेंट इन्हें आपकी तरफ, इस ख्वाब को पूरा करने की तरफ लेकर जाते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली अपने सपनों के बिना अपने अंदर एक अधूरापन, एक खालीपन पा रहे हैं, या अगर इनके ये सपने पूरे नहीं हुए तो जैसे कि एक जिंदगी में इनके एक अधूरापन रह जाएगा, ये पूरे नहीं हो पाएंगे, वो एहसास इस पर्सन को डेफिनेटली हो रहा है। यानी कि यहाँ पर एहसास जो है वो इस पर्सन की तरफ से 110% हो रहा है, कोशिश या एफर्ट्स इस पर्सन की तरफ से 110% हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, हालात हैं, वो यहाँ पर इनका साथ नहीं दे रहे, और उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन डेफिनेटली अपनी लाइफ में व्यूअर्स जो भी इनके पास है उन्हें भी पूरी तरह से या तो नाकामयाबी की तरफ देख रहे हैं, या फिर एक अपने अंदर ये नाकामयाबी जैसी फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी है कि ये पर्सन हर एक सिचुएशन को, हर एक चीज़ को बहुत बैलेंस में लेकर चल रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं जैसे कि ये पर्सन सबको साथ में लेकर, सबको बैलेंस में लेकर भी चलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये रीज़न भी बन रहा है इस पर्सन का यहाँ पर सभी चीज़ें इनके हाथों से छूटने के पीछे का। तो यहाँ पर मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है व्यूअर्स की, बेसिकली जितना ज़्यादा इस इंसान की तरफ से कोशिशें करी जा रही हैं उतना इनका साथ देने के लिए यहाँ पर हर एक इंसान इन्हें अपने पीछे ही नज़र आ रहा है, मतलब इनसे पीछे ही इन्हें नज़र आ रहा है, चाहे फिर उसमें आप भी क्यों ना शामिल हो, तो वो एनर्जीज, वो एहसास है, और यही एहसास इस पर्सन को डेफिनेटली अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को एकदम इनके हाथों से छूटते हुए इन्हें दिखा रहा हो, तो वो एहसास भी यहाँ पर इस पर्सन को है। तो यहाँ पर हो सकता है आपको यही चीज़ें लग रही हो व्यूअर्स कि ये इंसान आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, सपने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन इनकी कोशिशें इन्हें यहाँ पर पूरी तरह से नाकामयाबी की तरफ लेकर जा रही है। तो ऐसा है जैसे कि ये पर्सन इस चीज़ को फील भी कर रहे हैं कि इनके खुद के जो है किस्मत इनका साथ नहीं दे रही, इनका खुद का भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा, तो वो एहसास इस पर्सन को इस पल में बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए टैरो से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक फेलियर जैसी एनर्जीज, एक फेलियर जैसा एहसास अपने अंदर पा रहे हैं। एलिमेंट्स व्यूअर्स यहाँ पर तीन हैं जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, और देखते हैं टैरो से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए आखिर ये किस तरह के चैलेंजेस के बारे में व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू सोचा जा रहा है, प्लीज गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे है आपका हेरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड द हैंगमैन। ओके, मुझे ऐसे चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं व्यूअर्स कि आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली यहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एज एन चाहे ये डिफरेंसेस किसी भी तरह के हो, लेकिन ये ट्रेडिशंस को लेकर मुझे इंडिकेट कर रहे हैं, या तो आप दोनों की कास्ट अलग है, या एज ग्रुप या एज गैप आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, यानी कि आप दोनों के बीच में एक मेन कंपटीशन, एक मेन चैलेंज बना हुआ है ट्रेडिशंस, कास्ट, परंपराओं का या डिफरेंसेस का। उसके अलग यहाँ पर जो लोग मैरिड हैं और उन लोगों के बीच में यहाँ पर डिफरेंसेस नहीं है, वहाँ पर बेसिकली एक फेक, एक झूठा, एक मैन्युपुलेटिव ट्रेडिशन जो है वो यहाँ पर प्लॉट करा गया है, जो वजह बन रहा है इस रिश्ते में चैलेंजेस
इसके बनने का। पर यही रीजन बना एक व्यक्ति इस पर्सन ने बजाय इस रिश्ते पे वर्क करने के, बजाय इस रिश्ते पे एफर्ट्स करने के, इस रिश्ते को सरेंडर करने का। तो यही जो भी चैलेंज था, ये जो वजह थी, ऑब्वियसली वो वजह आज तक खत्म नहीं हुई है। जबकि ये इंसान इस वजह से, ऐसा नहीं है कि इतने वक्त, जितने वक्त इन्होंने इस रिश्ते को सरेंडर करा, आपसे ये दूर हुए, इस ट्रेडिशन से इन्होंने लड़ने की कोशिश नहीं करी या इसको लेकर इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन इस पल में ये पर्सन जैसे ये चीज़ें फील कर रहे हैं कि अब ये थक चुके हैं डिफरेंसेस से लड़ लड़कर, इस पर मेहनत कर करके या कहीं ना कहीं इसके खिलाफ जाकर। अल्टीमेटली इन्हें ये चीज़ें इस पल में निराश कर रही हैं कि जितना ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेंथफुली फाइट करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे इसे सही करने की, जितना ज़्यादा इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जाएगी, एंड द रिज़ल्ट इन्हें यहाँ पर सभी चीज़ों को, अपने सपनों को, अपनी लाइफ में जो भी है, जिस भी तरह की स्ट्रेंथ चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं, उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन ये ट्रेडिशंस, ये डिफरेंसेस तस से मस नहीं होंगे। तो वो एहसास इस पर्सन को डेफिनेटली इस पल में व्यूअर्स बहुत ज़्यादा थका भी रहा है और बहुत ज़्यादा लो भी फील करा रहा है। तो ये पर्सन इस पल में ना बहुत ज़्यादा रिकन्सिडर तो कर रहे हैं उन सभी डिफरेंसेस को जो आप दोनों के बीच में वजह बनी है। बहुत ज़्यादा रीज़न मुझे ये दिख रहा है व्यूअर्स, बेसिकली ये पर्सन ना सभी चीजों को बैलेंस में लेकर चलने की चाह रखते आए हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन इन्हें इस पल में ऐसा फील हो रहा है ये ज्यादा वक्त तक अब इस चीज से शायद फाइट नहीं कर पाएंगे, या ये बैलेंस में जो चाहते हैं, जो इच्छा इनकी है, वो ये कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो वो एहसास भी इस पर्सन को व्यूअर्स इस पल में डेफिनेटली बहुत ज्यादा परेशान और होपलेस कर रहे हैं। ठीक है, स्लोइंग डाउन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन स्लोइंग डाउन को लेकर, स्लो मूवमेंट को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। एट ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी थ्री ऑफ कप्स। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं कि जितना ज़्यादा इस इंसान को ना अपने आसपास की चीज़ें स्लो मूव करते हुए या बिल्कुल ठंडी होते हुए, या इनके एफर्ट्स इन्हें एकदम अपने आँखों के सामने नाकामयाब होते हुए दिख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये इंसान यहाँ से उठकर जाने के लिए या ये सभी ख्वाबों को पूरी तरह से पीछे छोड़कर जाने के लिए या पीछे होते हुए महसूस कर रहे हैं। जैसे कि एक माइंड का आपका ये चीज़ें है ना कि इनकी तरफ से तो मेहनत करी जा रही है, सभी चीज़ों को साथ में लेकर जाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन अगर इसी तरह से यहाँ पर मूवमेंट हुए या इसी तरह से यहाँ पर चलता रहा तो अल्टीमेटली ये ख्वाब, ये जो भी इनकी इच्छाएँ हैं, ये पीछे रह जाएंगी या इन्हें छोड़कर अल्टीमेटली और ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। तो वो एहसास इस पर्सन को इस पल में व्यूअर्स डेफिनेटली तोड़ रहा है। इन्हें यहाँ पर सभी चीज़ें अपनी लाइफ में जो खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशंस हैं, सभी एकदम टूटते हुए, बिखरते हुए अपनी आँखों के सामने जैसे महसूस हो रहे हों, तो वो यहाँ पर मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ। आखिर ये किस तरह के सोर्सेज हैं जो व्यूअर्स के पर्सन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, या किस तरह के सोर्सेज के बारे में व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू यहाँ पर सोचा जा रहा है, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है सेवन ऑफ वैंड्स। तो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि यहाँ पे पहली चीज़ तो ये इंसान ना आपका वेट कर रहे हैं, यानी कि इनके हिसाब से अगर ये अभी भी इसी रिश्ते में आपका इंतज़ार करते हैं तो वो इनकी तरफ से एक पहल होगी, एक स्टेप होगा, एक कदम होगा। अगर ये सभी लोगों के डिफरेंसेस को मानकर आगे बढ़ जाते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, या ये आपका इंतज़ार नहीं करते हैं ना, तो ये इनकी तरफ से फाइट नहीं होगी, इनकी तरफ से एक्शन नहीं होगा। तो इनका मेन सोर्स जो इस टाइम पे बना हुआ है ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वो है आपका इंतज़ार करना और आप ही के इंतज़ार में यहाँ पर रुके रहना, अपने आप को बेसिकली डिफेंड करना, इस तरह से अपने इमोशंस को जो इन्होंने आपके लिए संभाल कर रख रखे हैं उनके लिए इस तरह से स्टैंड लेना, तो ये इनका सोर्स, इनका माध्यम बना हुआ है। ठीक है, जिसके बारे में भी ये पर्सन इस पल में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। द ड्रीम को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए अपने सपनों को लेकर, मूवमेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन।
जजमेंट एंड स्ट्रेंथ। बहुत ज़्यादा हिम्मत टूटते हुए ये पर्सन देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं अपने सपनों को लेकर। जितना ज़्यादा इस पर्सन के थ्रू अपने सपनों, अपनी लाइफ में मूवमेंट को लेकर सोचा जा रहा है, आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचा जा रहा है या आपसे बात करने के बारे में सोचा जा रहा है इस पर्सन के थ्रू, उतना ज़्यादा इन्हें अपने आस पास का सारा माहौल एकदम टॉक्सिक, एकदम नेगेटिव होता हुआ या एकदम कंट्रोल जो इन्हें कर रहा है वो होता हुआ इन्हें महसूस हो रहा है। यानी कि जब जब ये पर्सन अपने सपनों को, आपसे बात करने को लेकर या आपके साथ पूरा होने को लेकर एक हिम्मत जुटा रहे हैं, हिम्मत बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, सभी चीज़ों को प्यार से करने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है, तभी यहाँ पर ना हंगामा हो रहा है, तभी यहाँ पर टॉक्सिसिटी आ रही है, कलह कलेश हो रहे हैं, इनके लाइफ में चीज़ें उथल पुथल हो रही है। जैसे वो माहौल उस वक्त पे क्रिएट करा जा रहा हो जानबूझकर, वो फील ये पर्सन कर रहे हैं। यही चीज़ें इस इंसान की स्ट्रेंथ को तोड़ रहा है, यही चीज़ें इस इंसान को बार बार ये एहसास दिला रहा है कि इनके सपने इनसे दूर होते जा रहे हैं, आप इनसे दूर होते जा रहे हो या ये आपके बिना शायद अब इसी तरह से अधूरे ही रह जाएंगे। तो वो एहसास इस पर्सन की हिम्मत को इस पल में डेफिनेटली व्यूअर्स तोड़ रहा है। किन सभी को ये एक साथ बैलेंस में लेकर चलने की चाह रख रहे हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए। 10 of Cups एंड बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे यहाँ पर ना व्यूअर्स स्टेटस जो है ना उसका भी गैप यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों के बीच में, या फिर यहाँ पर पैसा भी रीज़न बन सकता है, या घर का घर के मुखिया ये रीज़न बन ते हुए भी मुझे कुछ लोगों के केस में दिख रहे हैं जिन्हें एक्चुअली में ये साथ लेकर चलना चाह रहे हैं शुरुआत से और अब भी। यानी कि ये आपके साथ रिश्ते में जितनी उम्मीद देख रहे हैं ना उतना सब लोगों को साथ होने की उम्मीद भी ये पर्सन देख रहे हैं। इन्हें ये चीज़ें हालांकि दिखाई दे रही हैं कि ये जो भी ख्वाब देख रहे हैं एक इम्पॉसिबल चीज़ बनती जा रही है। रीज़न इज़ ये मुखिया, ये पैसा, ये स्टेटस का गैप, ये डिफरेंसेस। तो यहाँ पर इस पर्सन को जितनी ज़्यादा ये चीज़ें ना एकदम आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही हैं उतना इनका ये जो पेशेंस लेवल है इस पल में इन्हें टूटता हुआ भी दिख रहा है। जैसे कि एक इंसान कब तक ये चीज़ों को लेकर उम्मीद बांधेगा, फाइट करी जा रही है लेकिन कब तक फाइट करेगा या करेगी, तो वो एहसास इस पर्सन को डेफिनेटली इस पल में व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ना अपने आप से अपने आप को कमज़ोर होता हुआ देख रहा है। मतलब इन्हें ये फील हो रहा है इस पल में जैसे कि ये हार गए, ये हार कर रह गए, कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं ये अपने हालातों को देखकर। तो वो एहसास इस पर्सन को इस पल में डेफिनेटली और ज़्यादा लो फील करा रहा है। चलिए ये देखते हैं इस एहसास के साथ व्यूअर्स आपके पर्सन आपसे कहने की क्या चाह रख रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए कि इस एहसास के साथ व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। आई वॉन्ट यू हेयर नेक्स्ट टू मी। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स कि ये चाहते हैं आपको ना अपने साथ रखना, अपने परिवार में रखना या अपने साथ पूरे होते हुए देखना, ये पर्सन यही चाहते हैं। आई हैव सो मच टू से टू यू, आपसे कहना चाह रहे हैं, इन्हें बहुत कुछ कहना है आपसे। तो हो सकता है कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी रह गई हैं आप दोनों के बीच में जो अनकही रह गई है और कहना चाह रहे हैं ये आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं उन सभी चीज़ों को लेकर। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, ये आज भी अभी भी इस पल में भी आपको लेकर वो सीक्रेट लेवल पे एक ऑब्सेशन फील कर रहे हैं जो ये आपसे कहने की चाह रखते हैं। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, इन्हें अपने हालात तो यहाँ पर डेफिनेटली इसी तरह से दिख रहे हैं कि इन्हें यहाँ से मूव ऑन करना होगा, करना पड़ेगा, अपने सपनों से दूर जाना पड़ेगा, लेकिन इन्हें भी पता है ये इनके लिए इतना आसान नहीं है। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी, आपको अपने दर्द, अपनी तकलीफ, अपने दिमाग में जो भी चीज़ें इनके चल रही हैं वो सभी चीज़ें आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको उन चीज़ों का आइडिया नहीं और ये से दिखाना चाह रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, कभी कभी इतना ज़्यादा ये निराश हो जाते हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को निराशावादी कर लेते हैं जिसमें ये आपसे यही कहना चाहते हैं अब तो यही लगता है कि तुम मुझे याद ना करो, तुम मुझे भुला दो, यही मेरे लिए तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो ये आपसे ये भी कहने की चाह रख रहे हैं।
चलिए ये देखते हैं व्यूअर्स कि आखिर इस कनेक्शन का क्या होना है रिजल्ट, क्योंकि बेसिकली प्यार आपको भी है, प्यार आपके पर्सन को भी है, लेकिन आप दोनों के हालात, आप दोनों के प्यार के खिलाफ आकर खड़े हुए हैं। तो यही देखते हैं कि आखिर क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर, या यूनिवर्स, ये डिवाइन आपसे इस कनेक्शन को लेकर अल्टीमेटली क्या कहना चाह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के कनेक्शन के बारे में, बताइए डिवाइन आखिर इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन में क्या होना है, क्या होकर रहेगा, गाइड कीजिए। टेम्परेंस, एम्प्रेस, वन मोर, लवर्स, देखिए व्यूअर्स, और बॉटम भी क्या आया है, जस्टिस आया है। तो देखो इस कनेक्शन का जो फ्यूचर है ना, वो बहुत ब्राइट है, बहुत खूबसूरत है। देखिए यहाँ पे टेम्परेंस यानी कि शिव और शक्ति, और यहाँ पे द लवर्स कृष्ण जी और राधा जी, दोनों की एनर्जीज आई है। यानी कि आप लोगों को जितना दूर करा जाएगा ये प्यार आप दोनों का एक दूसरे को लेकर, उतना स्ट्रांग होता जाएगा, आप दोनों उतना एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होगे ही होगे। एम्प्रेस, तो ये रिश्ता ना जितना भी आपको दूर लेकर जाने की कोशिश करी जा रही है, या आप खुद ही क्यों ना यहाँ पर कोशिश कर रहे हो एक दूसरे से दूर होने की, ये अट्रैक्शन है, ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ये केमिस्ट्री, ये रिश्ता आप दोनों को एक दूसरे के उतना ही करीब लेकर आता रहेगा। आपने ये चीज़ें बहुत बार अपने अंदर नोटिस भी करी होंगी, जितना बुलाने की कोशिश कर रहे हो कमबख्त उतना ये याद आ रहे हैं, ये रिश्ता याद आ रहा है, उतना इनकी तरफ, इस रिश्ते की तरफ खिंचते जा रहे हो। मतलब वो अट्रैक्शन है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं, सरकमस्टेंसेस दिख रहे हैं, हालात दिख रहे हैं कि कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन स्टिल फिर भी ये अट्रैक्शन, ये प्यार, ये फीलिंग्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो इस कनेक्शन में पहली चीज़ तो रीयूनियन ज़रूर से होगा, इस रिश्ते को न्याय ज़रूर से मिलेगा, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि आप दोनों ने मिले, एक दूसरे से प्यार हुआ, जस्ट इतना ही था। ये रिश्ता ऐसा है जो सोल लेवल तक एक दूसरे से जुड़ा, और ये सोल जो भी है ना, उसका जो भी जुड़ाव है वो एक प्योर लेवल पर है, ठीक है, सच्चा प्यार है, ट्रू लव है। तो ऑब्वियसली सच्चा प्यार, ये ट्रू लव यहाँ पर एक दूसरे से कैसे अलग हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस रिश्ते को न्याय मिलेगा व्यूअर्स, ये रिश्ता आप दोनों का फिर से रीयूनाइट होगा, जिस तरह से ये चाहते हैं इवन उस तरह से ही होगा, और जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से भी होगा, क्योंकि आप भी यहाँ पर एक तरह से बैलेंस चाहते हो, ये भी बैलेंस चाहते हैं, और तो बैलेंस ही यहाँ पर डेफिनेटली इस कनेक्शन में आएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर से कहूँगी, आप दोनों के रिश्ते की ये जो जर्नी, ये जो सफ़र है, ये आसान नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेट है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से भरी हुई है, ठीक है। ये एक चैलेंज है, या इससे भी पहले आपने देखा होगा और भी बहुत सारे चैलेंजेस इस कनेक्शन में आए और आगे भी आने हैं, अब भी आने हैं, तो इतना आसान भी नहीं है आप दोनों का ये जो भी रिश्ता है, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगी व्यूअर्स। मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि कमिंग नवंबर मंथ में आप लोगों का वापस से यहाँ पर रीयूनाइट हो सकता है, और कुछ लोगों के केस में ये चीज़ें आपकी 14 वीक्स तक भी जा सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, आसान नहीं है आपका सफ़र, आप लोगों का सफ़र बहुत कॉम्प्लिकेट है, जिसे लेकर ये पर्सन इवन अब भी इस पल भी जितना सोच रहे हैं उतना स्ट्रेस में जा रहे हैं, लेकिन मिलना ज़रूरी है और मिलकर तो रहोगे, ठीक है व्यूवर्स। तो ये थी रीडिंग, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हूँ इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है और आप कनेक्ट कर पाए हैं, लेकिन आपने अभी भी कनेक्ट होने के बावजूद भी लाइक नहीं करा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा व्यूवर्स, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, ओके बाय बाय।